अच्छा भाई, सलाम अलैकुम भाई। नेट मीटरिंग पाकिस्तान में कितनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्या ये तरीक़ेकार जो पाकिस्तान में डेपरा ने अपनाया हुआ है कि आपका जो सैंक्शन लोड है उसकी बेसिस पे, फ़र्ज़ करें आपका सैंक्शन लोड है 10 किलोवाट, तो आपको वो कहते हैं कि आप 15 किलोवाट तक की नेट मीटरिंग कर सकते हैं, या आपका सैंक्शन लोड है 1 किलोवाट तो आप 1.5 किलोवाट तक की नेट मीटरिंग कर सकते हैं, और अगर आपका सैंक्शन लोड कम है तो आप उसको बढ़वा लें और आप नेट मीटरिंग उसकी टाइम्स फैक्टर 1.5 से कर सकते हैं। क्या ये लॉ ठीक है, और क्या ये लॉ अब्यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में, और क्या या फिर ये इसको ऐसे ही चलना चाहिए? देखें, जब तक सोलर की अडॉप्शन ज़्यादा नहीं हुई थी तब तक तो ये लॉ में कोई मसला नहीं था। वो तो बिल्कुल ठीक है कि अभी तो अडॉप्शन करवानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दें, आप बस लगाओ अभी तो लगाओ, पर बाद में देखेंगे क्या करना है। पर अब जिस पॉइंट पे हम आ गए हैं, छोटी छोटी PMTs, छोटे छोटे फीडर्स जो हैं वो चोक हो रहे हैं। 500 गज एक कैनाल के घर पे आपने 40-40, 50-50 किलोवाट लगाया हुआ और उनके बेच रहे हैं, आसरा ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आपको मना भी नहीं किया, अलाउ किया हुआ है तो बेचें, खुल के बेचें। पर जब सारे घर मिल के 10 घर हैं एक लाइन में, सब ने 50-50 लगाए हुए, जगह कोई नहीं है। डिफेंस कराची में तो आप एक लाइन शुरू हो जाए आपको जगह ही नहीं मिलती, 50-100 किलोवाट घरों पर लग रहे हैं, तो PMT का क्या असर होगा? PMT तो रोज उड़ी जा रही है, रोज फीडर ट्रिप हो रहे हैं, उनके मसले नहीं संभल रहे, वो एक नए मसलों में खड़े हो गए। क्योंकि अभी आपको जो लॉ मेकर से उनको ये डिसीजन चेंज करना था कि अब जब मास अडॉप्शन हो चुकी है तो आप कोई नया फार्मूला अपनाया जाए, या कहीं इसको लिमिट किया जाए, या इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। अच्छा, ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें फवाद कि जो देखें सोलर सिस्टम, आप जितना भी अभी पैनल सस्ता हो गया है वो तब भी कोई बहुत सस्ता नहीं है। ठीक है, आप तब भी 2 मिलियन 3 मिलियन की बात कर ही रहे होते हैं कि यार इतने पैसे लग ही जाएंगे अगर हम हाइब्रिड पर चले जाएंगे, हम 20-30 किलोवाट लगवाएंगे। तो कुछ पॉकेट्स तो बन चुकी है ना, जहाँ पे ऑलरेडी जिनके पास पैसे हैं वो वहाँ पे लगवा लेते हैं 30, और वहाँ पे चोकिंग हो रही है। पर बहुत सारे एरियाज अभी भी हैं जहाँ बिल्कुल ही हिसाब किताब खाली बैठा हुआ है। पर जो एनर्जी का सिस्टम है या जिस तरह बिजली काम करती है वो तो बिल्कुल लोकल गली गली पे चल रही होती है ना, कि इस गली का ये फीडर है, इस गली का ये PMT है, और यही फट रही है और यही ओवरफ्लो हो रही है। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन आपको क्या लग रहा है, चलें पहले आप ही बता दें, बाद में मैं डिस्कस करता हूँ कि इसका हो क्या सकता है। अगर आप इसको लिमिट भी करते हैं तो चलें आप इन पोर्श एरियाज को लिमिट कर देंगे, पर जो दूसरे एरियाज हैं वहाँ तो अभी कोई मसला ही नहीं हुआ, वो तो बेचारे पहुँच ही नहीं पा रहे वहाँ तक, उनकी तो वैसी लोड शेडिंग ही इतनी है कि उनसे तो वो अपने ही मसलों में फंसे हुए हैं। अच्छा देखें, इसका बड़ा आसान साल ये है कि हाइंडसाइट नहीं है, इसको फोरसाइट रखी ही नहीं है। जो प्लानिंग करी गई उसमें बस एक फार्मूला, एक होता है ना बस डग्गा फार्मूला के, बस 1.5 गुना जितना लगाना है लगा लो, तो वो 1.5 गुना तो वही वाली बात है, किसी का लोड सैंक्शन आपने उसको अप्रूव 5 किलोवाट करके दिया हुआ था, सोलर जब लगवाने की बारी आई तो उसने 50 अप्रूव करवा लिया। 50 अप्रूव करवाने के लिए कोई मसला ही नहीं होता, सिर्फ फीस ही भरनी होती है, वो लोड सैंक्शन की फीस भरने, वो आगे सर्वे करते हैं, लोड सैंक्शन बढ़ जाते हैं आपको। अब भाई आपको पहले था 5 किलोवाट आप कंज्यूम कर सकते थे, पिछले 40 साल से आपको कंजम्पशन के लिए 5 किलोवाट मिले थे, अब जब सोलर लगाने की बारी आई तो आपने 50 करा लिया और अब आप 75 किलोवाट नेट मीटर कर सकते हैं, तो आपने तो खेली गेम उनके साथ। अच्छा, गलती उनकी कि उन्होंने फॉर्मूला ऐसा बना के बैठे हैं। अगर आप लिमिट कर दें कि हर हाउस होल्ड को कि स्क्वायर फुटेज से कर लेंगे फॉर्मूला बना लें, जैसे आपने सैंक्शन लोड का एक फार्मूला बनाया है, तो आप इसी तरह नेट मीटरिंग का फार्मूला बना लेंगे, भाई इतने स्क्वायर फुट घर से या इतने गज के घर से हम 5 किलोवाट या 10 किलोवाट से ज़्यादा नेट मीटरिंग हम नहीं लेंगे, तो फिर आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे होंगे सबको कि चलो आपके पास पैसे ज़्यादा है कोई मसला नहीं है, बट आपका घर तो 1000 ही गज का है ना, तो आप 1000 गज पे हम 10 किलोवाट की आपकी नेट मीटरिंग अलाउ कर सकते हैं मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फार्मूला सेट कर लेना, फार्मूला तो आपने सेट करना है, हम तो एक सिर्फ आपको एक हिंट दे रहे हैं। तो जब आप एक घर को कर देते हैं लिमिट कि आप 10 किलोवाट से ज़्यादा की नेट मीटरिंग नहीं कर सकते, तो फिर अब वो बंदा ज्यादा नेट मीटरिंग करने के लिए दूसरा घर तो नहीं खरीदेगा ना। अच्छा, वो तो फीजिबिलिटी नहीं बनती, तो ऐसे में तो ऐसे तो बेचारा नहीं लगवा सकता। अब ऐसे में जब आपने उसको लिमिट कर दिया कि वो 10 किलोवाट से ज्यादा की नेट मीटरिंग नहीं कर सकता, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो वो जो ग्रिड में ऑप्शन है, जब दूसरा बंदा जब भी घर ले, वो जब भी नेट मीटरिंग करे, पैसे होंगे तो लगवाएगा ना। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो इंतजार करेगा, वो भी कमा ले कुछ और थोड़ा ऊपर आए और फिर वो लगवा ले, तो अभी इंतजार करें तब तक। तो अभी कौम बैठी, इसका जो 10 किलोवाट की इस पे ब्लैंक वो बैन वो लगना था, लिमिट लगनी थी, ये 100 किलोवाट की कर रहा है, इसने ग्रिड ही बिठा दिया 100 किलोवाट की करके। ये तो इनकी नाहेली है ना, कि इनकी ग्रिड क्यों बैठी,
ये ग्रिड बढ़ा ले और इसको यूज कर ले उसको। नहीं नहीं, आपको लिमिट तो कहीं लगानी है यार। देखें क्योंकि भी एनर्जी प्लांट लगाने पे कॉस्ट ज्यादा आती है बजाय इसके कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब चलो एक बंदे ने अगर लगा ही लिया है तो उससे भी ले लो, अगर उसको भी रोक दोगे, दूसरे के पास तो अभी पैसे ही नहीं है, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो आपको क्या फायदा हो रहा है फिर? तो आपने वही बात करी ना कि नहीं लगाओ यार, नहीं ये बात तुम भी छोड़ दो। बात ये है कि जब आप एक गली के अंदर, आपका कोई अपर थ्रेशोल्ड ही नहीं, हर रखा तो था नहीं, हर ट्रांसफार्मर नहीं है ना, शुरू में रखा एक एक फर्जी रखा था ना कि यार इससे ऊपर नहीं लेंगे एमपीएमटी में 70% के ऊपर, कहीं ना कहीं लिमिट करेंगे तो नेट मीटरिंग को लिमिट में चलाया जाएगा। अगर आप लिमिट नहीं करेंगे तो नेट मीटरिंग हर बंदा इसलिए कर लेगा कि मेरा बिल आता है 50,000 का, मैं 5 लाख रुपए का हर महीने क्रेडिट पे बिल लाना चाहता हूँ, कोई लिमिटेशन है उस पर? नहीं, पर्सनली तो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप उस पर लिमिटेशन लगा देना कि भाई 1,000 का इसका घर है, इसका बिल ज्यादा। यार एक और काम करें ना आप, उनको पैसे ही बस उतने के दें, एक्स्ट्रा बोले लगा लो लगाना, हम तो उसके पैसे ही नहीं देंगे। ये भी हो सकता है, ठीक है ना, आप ले लो ना उनसे फायदा उठा लो, अगर उसने लगा ही लिया। वही बात हो गई ना कि वो एक्स्ट्रा जो है वो ऑपग्रेड में चला जाएगा, या देखिए वो क्यों लगवाएगा अगर आप उससे इन अ सेंस आप जब पैसे एक्स्ट्रा के नहीं ले रहे तो वो सोलर पावर को किसी और मद में इस्तेमाल करे, कर ले वो, फिर वो स्टोर कर ले या किसी और मद में कर ले। तो इन अ सेंस एक तरह से वही बात हो गई कि आपने लिमिट ही लगा दी है, एक अन सेट लिमिट है कि भाई इतने बड़े घर पे इतनी लिमिट होगी, इससे ज्यादा 10 किलोवाट से ज्यादा की नेट मीटरिंग नहीं होगी। आप करेंगे तो ठीक है, हम आपको पिनलाइज भी नहीं करेंगे, एक सजेशन वो है। दूसरी सजेशन ये है कि नहीं, उसका लाइसेंस ही नहीं मिलेगा आपको। अब उससे ऊपर आपने जितना लगाना है अपनी बैटरी स्टोर करने के लिए, अपनी डिमांड के लिए, आप जितना मर्जी लगाने लगा लें, लेकिन हमें बेचने के लिए, ग्रिड को बेचने के लिए भाई आपके लिमिट है कि आप 10 किलोवाट से ज्यादा नहीं बेच सकते, क्योंकि हम नहीं संभाल सकते। क्योंकि सारे लगा लेंगे 100-100 किलोवाट के, लेने के लिए इनको 10-10 किलोवाट मिलता है। आप एज अ कंज्यूमर जब ये बिजली खरीदते हैं सब लोग, तो 10 किलोवाट ही ले रहे होते हैं ना, 8 ले रहे होते हैं या 15 ले लेंगे या 15 ले लेंगे, बहुत बड़ा घर हो गया 15,000-15,000। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो लोग लोड सैंक्शन 100-100 करवा रहे, पैसे दे दे के भी करवा रहे हैं, आपको पता ही है। फिर वो उल्टा हिसाब चलता है, फिर वो ग्रीडी बिठाने वाली बात हो गई ना, कि जिसके पास पैसे थे उसने इतने पैसे लगवा के ग्रीडी बिठा दी, पूरे मोहल्ले की भी बिठा दी, उसके बाद फिर एरिया की भी बिठा दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर या तो इनको बोले अपनी अपनी वो भी खरीद, 100 पे 100 की पीएमटी लगाओ, फिर अपनी वो भी खरीद लो, करवा लें, ऐसे करवा लें, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर वो नहीं करेंगे ना, जब आप अभी भी लॉ यही है कि फिर आप अपनी पीएमटी लगवा लें तो आपको ये अलाउंस मिलती है। बट इसको कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड लगाना पड़ेगा ताकि लोग कंजम्पशन तो करें, लोग सोलर तो इंस्टॉल करें, क्योंकि सोलर के बगैर उनकी एनर्जी डिमांड ख़त्म नहीं होती। बट वो एनर्जी डिमांड जो अपनी है बिल में जो कमी लाना चाह रहे हैं वो सिर्फ प्योरली नेट मीटरिंग से ना करें, क्योंकि नेट मीटरिंग में वो सारा बर्डन ग्रिड पे डाल देते हैं दोबारा ला के, वो ग्रिड को बेचते रहें, बट साथ में अपना बैटरी बैंक्स, अपनी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस लगाएं ताकि अपने अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं, वो ग्रिड की तरफ ज़्यादा देखें ही ना। तो फिर ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन बनता है कि आपने माइक्रो ग्रिड या माइक्रो ग्रिड से भी आपने छोटी ग्रिड लगवा दी, हर घर के अंदर एक छोटी ग्रिड लगी हुई है कि जो उसको अपने आप को सप्लाई देती है, फिर तो बहुत सस्टेनेबल सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी ये जो अभी करंट तरीकेकार है ये तो फिर अब्यूज़ करने वाली बात हो गई। पिछले 40 साल से आपका 4 किलोवाट से ज़्यादा लोड सैंक्शन था नहीं और आपको कोई मसला नहीं था, पर ये तो वही बात हो गई ना इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन ठीक करनी तो ना इस तरह के लॉज बनाने और ना बस जो चल रहा है वो चला दिए, तो कुछ भी नहीं है। नेट मीटरिंग ऑन कर ली पाकिस्तान में, यही एक बड़ी अचीवमेंट थी, नहीं भी करते तो क्या होता, नहीं होता, बिल्कुल ऐसे यही बात है, होना सही बात है, ये तो नहीं कुछ भी होना, क्योंकि जो बना हुआ है पहले वो भी तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना। तो ऐसे में एज एंड यूजर आप अगर अभी भी सोलर सिस्टम अपना नेट मीटरिंग बेस पे ही नया लगवा रहे हैं, जो पुराना लगवा के बैठे हो तो अब लगवा के बैठे हो तो चला लें जब तक चलता है। अगर आप नया सिस्टम लगवा रहे हैं और आप फिर नेट मीटरिंग की बेसिस पे टोटल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, वो चेंज हो जाएगा और आप भी ग्रिड की डिस्टेबलाइजेशन में अपना पार्ट अदा कर रहे होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो आपका पड़ोसी कर रहा होगा और फिर वो सारी की सारी जो डिस्टेबलाइजेशन है वो आपको भी तंग करेगी। तो सिस्टम को ऐसे ही रखेंगे वो इंडिपेंडेंट सिस्टम हो और मैक्सिमम आप इंडिपेंडेंटली जितना उससे बेनिफिट ले सकते हैं आप ले सकते हैं। अगले वीडियो को आप करें करेंगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट से बताएं कि आपकी नज़र में नेट मीटरिंग का जो अब्यूज़ है उसको कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि ठीक है बहुत सारा बेनिफिट तो है ही है नेट मीटरिंग का, बट जो उसके अब्यूज़ हैं और जो हो रहे हैं उसको कर्टेल कैसे किया जा सकता है, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि लोग नेट मीटरिंग से फ़ायदा तो उठाएं लेकिन ये जो अब्यूज़ उसका एक पूरा एस्पेक्ट है मौजूद है उसको कैसे कम से कम किया जाए ताकि जो ग्रिड की डिस्टेबलाइजेशन है वो भी कम हो सके। थैंक यू।